प्रेत बाधा और उससे उत्पन्न होने वाले रोग। आज इसी पे चर्चा होगी कि जो भी व्यक्ति प्रेत आदि बाधाओं से पीड़ित है, जो भी व्यक्ति नकारात्मक शक्तियों से, प्रेतों से या कोई भी डाकनी साकनी पिचासनी मरी बेताल जिन्न जिन्नात और जितने भी पीर पैगंबर फकीर या जो भी शक्तियाँ होती हैं, जितनी भी इतियों की शक्तियाँ हैं, अगर इनसे कोई व्यक्ति पीड़ित है या कोई भी भूत प्रेत किसी भी श्रेणी की शक्ति हो या किसी के द्वारा तंत्र किया गया हो या चीज़ें अपने से पकड़े हुए हों या आपकी गलतियों के कारण कुछ चीज़ें आपसे लग गई हों, तो आपके शरीर में वह कौन कौन से रोग उत्पन्न कर सकती हैं, उनकी क्या क्षमताएँ होती हैं जो आपके शरीर में वो तरह तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, तो किस तरह कार्य करती हैं, तो आज इसी विषय पर चर्चा होगी। सभी साधक साधिकाओं को जय श्री माता रानी, जय माँ योग माया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके कोई भी भौतिक और आध्यात्मिक प्रश्न हैं, अगर आप कोई भी समस्या से ग्रसित हैं, जो भी परालौकिक है, तो आप कॉल कर सकते हैं जो नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अगर आप साधनाएँ करना चाहते हैं तब भी आप स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है मैसेज डाल सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो प्रेत बाधा से जो भी व्यक्ति पीड़ित है उनको सभी वो बीमारियां हो जाती हैं जो सामान्य तौर पर किसी व्यक्ति को होती हैं, लेकिन वह बीमारियां एक बीमारी का ही स्वरूप हो जाती हैं, वह फिर ठीक जल्दी से नहीं होता। जब तक आप प्रेत बाधा का निवारण नहीं कराएंगे तब तक वह बीमारी सही नहीं होगी। जितनी भी सामान्य बीमारियाँ हैं, खांसी जुकाम बुखार से लेकर आपको जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियाँ हैं, पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज, कैंसर तक प्रेत बाधा से हो जाता है, लेकिन यह एक दिन में नहीं होता है। प्रेत पहले आपके शरीर पर कब्जा करेगा, यह तभी प्रेत कर पाता है जब वो आपके शरीर में कहीं से प्रविष्ट हो जाता है, आपके किसी भी अंग में वो निवास स्थान बना लेता है। वो भी एक प्रेत नहीं, दो चार प्रेत या उनकी एक मंडली होती है, कहीं से भी आपको लग जाए किसी भी कारण से या तंत्र प्रयोग से, आपकी गलतियों के कारण या किसी भी वजह से, तभी ऐसा कर पाते हैं। और वो पहले धीरे धीरे आपको एक बुखार टाइप का बना रहेगा, उसके बाद आप उससे बड़ी कुछ बीमारी होगी, आपके पैर में या हाथ में सदैव हल्का दर्द बना रहेगा, आपके शरीर में दर्द बना रहेगा, आपके रीढ़ में कीड़े टाइप से चलेंगे, आपके शरीर में लगेगा कोई कीड़ा चल रहा है, आपके हाथ पैर में सुन्नता आती जाएगी, जैसे ताकत ही नहीं लग रही है, और आपका शरीर कभी कभी जकड़ जाएगा, ऐठन आने लगेगी शरीर में, और आपके शरीर में तरह तरह के छोटे मोटे रोग शुरुआती दौर में उत्पन्न होते हैं, आपके गले में सरसराहट बनी रहेगी, कुछ सब कुछ आप नियमित कर रहे हैं, सब व्यवस्थित है, फिर भी गले में सरसराहट बनी हुई है, खांसी पकड़ लेगी आपको, ये सब शुरुआती लक्षण हैं। उसके बाद ये और गंभीर बीमारी होती है, तो ये जितना आपके अंदर घर बनाते जाएंगे, जितना ये सही तरीके से बैठते जाएंगे, अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं तब तो ये रुके रहते हैं, क्योंकि उससे उस ऊर्जा से इनको कष्ट होता है, तो इनकी ऊर्जा उतनी प्रभावी नहीं हो पाती। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, पूजा पाठ या कोई भी जो है धार्मिक कार्य अनुष्ठान जब तक नहीं कर रहे हैं, तो इनकी ऊर्जा बढ़ने लगती है, आपको अवशोषित करने लगते हैं ये, और फिर धीरे धीरे आपके पेट में ये पथरी बना देंगे, आपके सिस्टम को ये डैमेज करने लगते हैं, ये नहीं बनाते, आपके सिस्टम को ही डैमेज करने लगते हैं। जब आपका नर्वस सिस्टम डैमेज होने लगता है तब स्वतः ही बीमारी उत्पन्न हो जाती है, यही इनका कार्य है। और कुछ प्रेत होते हैं जो बीमारियां लेकर ही चलते हैं, जैसे अपने जीवन काल में वो जिस बीमारी से भी वित्त को प्राप्त हुए हों, तो जिसे भी पकड़ते हैं वही बीमारी लेके चलते हैं, वही बीमारी उसको हो जाती है। अगर वो उनको चक्कर आता था, मिर्गी आती थी अपने जीवन काल में, तो अगर जिसको भी पकड़ेंगे, जिसके ऊपर भी वो प्रभावित करेंगे, वो मिर्गी व्यक्ति को आने लगेगी, उसको चक्कर आने लगेंगे, वो चक्कर खा के गिरने लगेगा, वह अपने जीवन में अगर बेहोश हो रहा होगा तो वो बेहोश होने लगेगा। तो ये भी होता है, तरह तरह की बीमारियाँ ये बनाते हैं और तरह तरह की बीमारियाँ इनके साथ चलती हैं, ये कई बीमारियाँ बना देते हैं। कभी कभार ये अगर इनके जीवन काल में ये कोढ़ रहा है, सफ़ेद दाग, ये व्यक्ति के जीवन में सफ़ेद दाग उत्पन्न कर देते हैं, उसके घर में, उसके पैर में, हाथ में, उसके चेहरे पर, कभी कभार ये चेहरे पर उत्पन्न कर देते हैं, जिससे बहुत बड़ी समस्या होती है। अगर किसी
महिला के चेहरे पर उत्पन्न कर देते हैं, किसी बालिका के दूसरी शादी विवाह में भी दिक्कत। तो बहुत से केस हमारे पास ऐसे आए हैं जो इस तरीके के हैं, जिनके चेहरे पर ही सफ़ेद दाग हो जाता है, वो भी प्रेत बाधा की वजह से। तो उनको प्रयोग बताए जाते हैं जिससे उनका निराकरण होता है। और कभी कभार ये इतनी जटिल समस्या उत्पन्न कर देते हैं कि ना वो अल्ट्रासाउंड में कहीं दिखता है, ना सोनोग्राफी में दिखता है, ना एक्सरे में दिखता है, फिर भी समस्या बनी हुई रहती है। दवा व्यक्ति कंटिन्यू करता रहता है लेकिन दवा का कोई प्रयोग काम ही नहीं करता, जब तक उनको किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से मुलाकात ना हो। तो ऐसी भी समस्या बना देते हैं कि पेट इतना अटता है, व्यक्ति का इतना अटता है कि सब कुछ करा जाता है, पूरा सोनोग्राफी से अल्ट्रासाउंड से लेकर जितने भी उसकी पूरी होल बॉडी स्कैनिंग तक करा देता है, तब भी कुछ चीज़ें नहीं मिलती। कमर में इतना अधिक दर्द हो जाता है कि वो असहनीय रहता है, फिर भी कुछ नहीं मिलता। ये सब प्रेत बाधा द्वारा दिया जा रहा दर्द होता है, क्योंकि यह मशीन में तब तक नहीं आएगा जब तक प्रेत शरीर से बाहर नहीं निकलेगा। जैसे ही प्रेत शरीर से बाहर निकलता है, जो भी बीमारियाँ होती हैं उभर के सामने आ जाती हैं। तो ऐसे बहुत से खतरनाक बीमारियां, जो जितने भी सामान्य बीमारियां हैं वह सभी प्रेत बना सकता है, लेकिन हर प्रेत की कैटेगरी होती है, हर प्रेत सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जितने भी प्रेत हैं सब में के अंदर कुछ विशेष गुण होते हैं, उन गुणों के आधार पर वो तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न कर देते हैं। और भी बहुत से ऐसे प्रेत हैं जो व्यक्ति के शरीर में निवास करते हैं लेकिन उनको कोई बीमारियां नहीं होती, कोई समस्या नहीं होती, बस निवास करते हैं। हाँ, कभी कभार कोई दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे भी बहुत से प्रेत हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत से प्रेत हैं जो अगर निवास करने लगे शरीर में तो इतनी दिक्कत देने लगते हैं कि व्यक्ति का जीवन एकदम दुस्वाद हो जाता है, वह न मर पाता है न जी पाता है। रोजाना डॉक्टर के यहाँ ही उसका बीतता है, ना उसको किसी आध्यात्मिक व्यक्ति का दवा काम करता है दुआ काम करता है, ना किसी डॉक्टर की दवा दुआ काम करती है। तो ये बहुत ही जटिल समस्या होती है, इनको पहचानना भी सबसे बड़ी जटिल समस्या है कि इनको पहचाना कैसे जाए कि कौन से प्रेत हैं, किस प्रकार के प्रेत हैं और ये कैसे ऐसा उत्पन्न करें। तो इनको सबको जब तक सही रूप से इनका परीक्षण नहीं किया जाता, तो इसलिए प्रेत बाधा परीक्षण जरूरी है। पहले प्रेत बाधा का जैसे मेडिकल क्षेत्र में स्कैनिंग होता है और भी बहुत से उपकरण द्वारा उनकी जाँच होती है, उसी तरह आध्यात्मिक क्षेत्र में भी शक्तियों के माध्यम से इनका परीक्षण किया जाता है। जब तक सही परीक्षण शक्तियों के माध्यम से नहीं होता तब तक चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। जब शक्तियों के माध्यम से इनका सही रूप से परीक्षण हो जाता है, पता चल जाता है कौन सी शक्ति हैं, किस प्रकार से हैं, इनका क्या सिस्टम है, तभी पूरा क्लियर हो पाता है, तभी चीज़ें सही हो पाती हैं। नहीं तो अगर वो बड़ी शक्ति हैं, आप छोटी शक्ति से देख रहे हैं, तो उनको आप जैसी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा भी होता है जो है, इस वजह से एक सही व्यक्ति से इनका ट्रीटमेंट कराना चाहिए जिससे ये सब चीज़ें सही हो सकें। और ये बहुत ही भयंकर स्वरूप में बीमारियां उत्पन्न करते हैं जो भी प्रेत हैं। तो प्रेत सभी बीमारियां जो आम जिंदगी में व्यक्ति को होती हैं वो सारी बीमारियां ये उत्पन्न कर देते हैं, और अपने जीवन काल में जिस बीमारी से मरे रहते हैं उस बीमारी को भी व्यक्ति के शरीर में उत्पन्न कर देते हैं। व्यक्ति पूरी ज़िंदगी दवा खाता है लेकिन फिर भी आराम नहीं होता है, ना ही उसका कारण पता चलता है, क्योंकि ये ऐसी ऊर्जाएँ हैं कहीं छिप जाती हैं। आप ये जो जिस लेवल की ये शक्तियाँ उन्हीं लेवल की शक्तियों से देखते हैं तो पता ही नहीं चलता, जब उनसे बड़ी शक्तियों का प्रयोग होता है तभी ये चीज़ें पता चलती हैं। तो आप भी अगर परीक्षण कराना चाहते हैं इन सब चीज़ों का तो हमारे माध्यम से भी करा सकते हैं। अगर आप कोई भी साधना करना चाहते हैं देवी देवताओं से संबंधित, तो गुप्त नवरात्रि आ रही है, आप साधना भी कर सकते हैं, सामान्य दिनों में भी साधना कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी आर्थिक समस्या है या पारलौकिक समस्या है तो आप जो नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आप उस पर कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए सभी माँ के भक्तों को, सभी साधक साधिकाओं को जय श्री माता रानी, जय मां योग माया।